this side of every culture. So today in workshop, we're doing Gondat. For Gondat, let me tell you something about this Gondat. Okay, first, Gondat, this is a tribal art, or you can say this is a folk art. ठीक है, यहाँ पर जो गोंडाट है ना, मेनली एक मध्य प्रदेश का एक आर्ट है, और इसको जो गोंड होता है, गोंड एक इंडिया के जो लार्जेस्ट जो आदिवासी कम्युनिटी है, ये वो वाला आर्ट जो गोंडाट है, ये आदिवासी कम्युनिटी करते हैं. ठीक है, और मेनली तो दिस इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, बट इसको और भी जो स्टेट्स है वो यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पर भी आपको गोंडाट के बहुत सारे आइटम्स और बहुत सारा गोंडाट किया जाता है. गोंडाट में क्या होता है, अब जैसे आदिवासी है, ठीक है, उनके क्या होता है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होती है, राइट. जो आदिवासी होते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो अपनी ड्रॉइंग ड्रॉ करते हैं, तो उनको समझ आता है कि एक पीकॉक बनाई, एक बर्ड बनाई, तो वो अपने ड्रॉइंग के थ्रू इलाबोरेट करते हैं. अपनी एकदम परफेक्ट नहीं होती है, तो क्या होता है, जैसे उन्होंने सपोज कोई पीकॉक बनाया, तो पीकॉक नहीं, हमें वो गर्दन उसकी बहुत ही बिग उनकी गर्दन कर देते हैं, या सपोज अगर उनको कोई भी और एनिमल वो बना रहे हैं, तो टेल बहुत बड़ी करती है, वो ना परफेक्ट ड्रॉइंग वो परफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसी वो क्या करते हैं, वो एक ड्रॉ तो कर देते हैं, एक आइडिया लगाने के लिए वो उनकी एक ड्रॉइंग को जाते हैं, बट वो ड्रॉ उनका एक परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो ठीक है. और ज्यादातर ये मैंने बताया कि हमारा मध्य प्रदेश का आर्ट है. ठीक है, अब गोंडाट जो मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट ऑन फैब्रिक, सो आई एम यूजिंग फैब्रिक कलर्स. अब फैब्रिक कलर्स हमारे जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं, तो आपको कोई भी क्लॉथ पर कर करना है तो आप, और ये होते हैं ब्लू कैप के अंदर. ठीक है, बट जो हमारे एक्रेलिक कलर्स होते हैं, वो व्हाइट और ग्रीन कैप होती है उनकी, वो थोड़े हार्ड कलर्स होते हैं, वो हमें ना हार्ड सर्फेस के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे हम MDF पर करते हैं, कैनवस है हमारे, या फिर कोई भी हमारा जो पॉट्स वगैरह है, बॉटल्स है, उसके ऊपर जो हार्ड सर्फेस होते हैं, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं. अब गोंडाट के लिए आई हैव टेकन दिस. ठीक है, आप अगर चाहते हैं आप प्रॉपर आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, डिजाइंस में शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप के अंदर, तो आप अपने मनपसंद से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज इफ यू वांट आप नॉर्मल अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं. सो आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस. अब आप देखिए, मैंने बताया था कि जो वो आदिवासी होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ड्रॉ करते हैं, उनका क्या होता है, कई बार वो नेक बनाते हैं तो वो बहुत बिग नेक बना देते हैं, मतलब एक क्लियर फिगर नहीं होता है, वो इतना समझ आ जाता है कि कोई एनिमल है, ठीक है, बट वो एनिमल बहुत प्रॉपर नहीं बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, सी मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया है, ट्री के ऊपर मैंने एक रैंडम एक पीकॉक बना दिया. ठीक है, वो हमें सिर्फ ये पता होती है, जब गोंडाट करते हैं ना, गोंडाट के अंदर आउटलाइनिंग नहीं होती है, जैसे हम कोई भी पेंटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम हमेशा से आउटलाइनिंग करते हैं ना, इसके अंदर आउटलाइनिंग नहीं करनी होती, हम अंदर फिलिंग करते हैं. तो सबसे पहले हमें बेस को रेडी करना है. बेस रेडी करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है, देन आई विल टेल यू. आप कोई भी डिफरेंट ले सकते हैं. ठीक है, बहुत सुंदर आते हैं, डार्क कलर्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कलर चॉइसिंग करनी होती है. सो लेट मी स्टार्ट विद द कलरिंग पार्ट. आई एम टेकिंग दिस येलो. ठीक है, पहले मैं आपका जो सेंटर के अंदर पार्ट है ना, मैं आपको वो करके बता देती हूँ, सिर्फ फिर इतने में हमारा क्लॉथ जो है वो ड्राई होगा, देन आई विल टेल यू द डिजाइनिंग. I'm starting with this. आप अगर फैब्रिक पर बनाना चाहते हैं, आप फैब्रिक पर कर सकते हैं. इफ यू डोंट वॉन्ट टू यू नो वर्क ऑन फैब्रिक, आप इसको MDF पर भी बना सकते हैं. सो ये आपकी विश है कि आप किस पर बनाना चाहते हैं, बट फैब्रिक पर बनाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा. ठीक है, सो हमें इसी कलर से, जो सेम कलर है, आई एम टेकिंग दिस येलो ओनली. ठीक है, आप इसको अच्छे से कलर लगाते जाइए, और इसी कलर से आपको आउटलाइनिंग भी करना है, और इसी से आपको अंदर फिलिंग भी करना है. आपको फ्रेम पर लगाना है क्लॉथ को, तो आप फ्रेम पर लगा सकते हैं. ठीक है, अगर आप फ्रेम पर नहीं लगाना चाहते हैं और किसी कार्डबोर्ड पर रख के या किसी सरफेस पर रखकर ही आप उसको बनाना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, तो इसके नीचे ना आपको हमेशा से आप इसके नीचे आप रख सकते हैं न्यूज़पेपर. ठीक है, सो देट आपकी जो वो पेंटिंग है और जो भी आपका वो जो सरफेस है वो खराब नहीं हो, तो इसलिए आपको नीचे हमेशा से न्यूज़पेपर रखना है. तो जिस कलर की आप उसी कलर से आपने इसको अंदर फिल कर देना है.
जो भी डिजाइन पार्ट है वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ की फिलिंग करनी है, वो ड्राई हो जाएगा। जब तक ना कि जब भी हम कोई भी कलरिंग कर रहे होते हैं, जब तक वो ड्राई नहीं होता है, उसके ऊपर जो भी सेकेंड वर्क करना है वो हमें शुरू ही नहीं करना है, नहीं तो हमारा फेस खराब हो जाता है। डिजाइन आप कुछ भी ले सकते हो, एनिमल ले सकते हो। अगर आपको ट्रेसिंग करना है आप ट्रेस कर सकते हो, अगर आपको ट्रेसिंग नहीं करना है ठीक है तो आप अपने हैंड से फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज गॉन्ड आर्ट का ना सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके अगर ड्रॉ नहीं, नहीं, नहीं बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो गॉन्ड आर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके जितना आपका ठीक नहीं ड्रॉ होगा ना, वो उतना ही अच्छा लगेगा ठीक है। सो ये चीज आप बिल्कुल इंजॉय करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे वो लोग बनाते हैं ना, अब जैसे वो एलिफेंट बनाते हैं, तो एलिफेंट के अंदर क्या होता है ना, वो उसकी बहुत ही बड़ी उसकी टेल कर देते हैं, या उसको बहुत पतला कर देते हैं, उसको बहुत मोटा कर देते हैं, मतलब डिफरेंट आ जाता है ठीक है। सो वंस वी आर डन विद दिस, लेट मी डू द सेकंड। आप अच्छे से इसको कलर कर दिएगा। कलर चॉइसिंग आपकी है, आप जो मर्जी आप कलर यूज कर सकते हैं। गॉन्ड आर्ट में मेनली ब्राइट कलर्स रहते हैं, डार्क कलर्स रहते हैं, वो मिक्सचर रहता है, मतलब वो डल भी यूज करते हैं, वो डार्क भी करते हैं, कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है। अब इसका जो सेकेंड है, लेट मी टेक द अदर कलर, मैं ग्रीन लेती हूँ, या फिर मैं ये बात, लेट मी टेक दिस, द सेकेंड वन आई एम टेकिंग इज पर्पल, डीप ब्रिल पर्पल ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, कभी भी आप कलर यूज कर रहे हैं हमेशा से उसको शेक करना ठीक है। और सेकेंड कलर यूज करने से पहले आपको अपने ब्रश को अच्छे से क्लीन करना है, नहीं तो क्या होगा ना, जो येलो कलर था वो येलो कलर आपका पर्पल के अंदर भी आ जाता है। जिस कलर से मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ वही मैं अंदर करूंगी, मैं इसके अंदर ब्लैक की आउटलाइनिंग नहीं करूंगी। जैसे हम लोग करते हैं ना, ओके ब्लैक की आउटलाइनिंग कर देते हैं, या व्हाइट की आउटलाइनिंग कर देते हैं, या कोई डिफरेंट कलर की आउटलाइनिंग करते हैं, हमें वो आउटलाइनिंग अंदर नहीं करना है, हमने इसके अंदर डिजाइन बनाना है। तो वो डिजाइनिंग हम डिफरेंट कलर से कर सकते हैं टू एनहांस द डिजाइन ठीक है। ऐसे आप कलर करते हैं ना, थोड़े अपने कपड़ों को बचाकर आप एप्रन पहन सकते हैं, या जिस भी जगह पर आप उसको रख रहे हैं ना, वहां पर आप नीचे सबसे पहले आप न्यूज़पेपर या कोई भी पॉलिथिन को आप रख सकते हैं, सो दैट आपका जो भी वर्क स्टेशन है वो भी गंदा नहीं हो और आपके कपड़े भी ड्यूटी नहीं हो। क्योंकि जो फैब्रिक कलर्स होते हैं ना, वो एक बार अगर कलर पर आपके कपड़ों पर लग जाएगा फिर वो उतरेगा नहीं ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे तो मुझे पता है आप सब इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग, इतने सुंदर सुंदर क्राफ्ट करते हैं, मतलब मेरे को बहुत बहुत ही अच्छा लगता है आप सबके क्राफ्ट। हमने देखो इसके अंदर मुझे वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है ना कि अभी हमारा जो फैब्रिक है ठीक है, अगर मैं वाटर इसके ऊपर लगाऊंगी ना तो यहाँ से कलर ब्लीड होकर बाहर आ जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जब भी आप फैब्रिक कलर्स यूज कर रहे हैं ना, तो आप उसके साथ वाटर मत लगाइएगा ठीक है, जरूरत ही नहीं होती है वाटर की। लाइक दिस ठीक है। अभी हमारे डिजाइन बता दें, क्या आपकी चॉइस है कि आप इसमें कौन सा डिजाइन करना चाहते हैं। ओके नाउ फॉर बीक लेट मी यूज ऑरेंज। हर बार आपको जब भी कलर यूज करना है ना, फटाफट से आप अपने ब्रश को क्लीन करते रहिए। अब ब्रश को जब आप क्लीन कर लेते हैं ना, उसके बाद अच्छे से उसको वाटर को आपको ब्रश से क्लीन करना है, नहीं तो क्या होगा आपका ब्रश तो गीला हो जाएगा, और ब्रश अगर गीला हो जाएगा तो आपका फिर फैब्रिक भी गीला हो जाएगा है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको
कलर तो कलर के अंदर पानी नहीं डालना है, बट जब आप वाटर से अपना ब्रश को क्लीन कर रहे हो, अब सपोज मैंने ब्रश को क्लीन किया, तो आपको अच्छे से इसको टिश्यू से भी क्लीन करना है, सो दैट आपके ब्रश के अंदर भी वाटर नहीं रहे, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होता है ना, हमारा जो ब्रश होता है उसका टिप गीला होता है ज्यादा, उसमें पानी होता है, तो जब हम उसको क्लॉथ पर लगाएंगे तो वहां पर सारा कलर ब्लीड हो जाएगा, ठीक है? तो ये छोटी चीजें हैं, आप इनका ध्यान रखना। मैं इसको यहाँ पर रेड ही कर देती हूँ, आइडियली यहाँ पर ऑरेंज आता, बट ठीक है, लेट मी डू दिस रेड। डिजाइनिंग आप कुछ भी आप डिजाइन ले सकते हो, कोई भी आप एनिमल ले सकते हो, जो भी आपका मन करता है, ठीक है? बाकी साथ बहुत सारे डिजाइन में शेयर कर दूंगी, ठीक है? उसमें से आप अगर आप सेम कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, सेम डिजाइनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप खुद ड्रॉ करना चाहते हैं आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं उसी को, अगर आप उसका प्रिंटआउट निकलवा कर ट्रेसिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग का मेथड बिल्कुल सेम होता है जैसे हम एक्रेलिक की करते हैं ना, जैसे हम कोई भी पेंटिंग की हम लोग करते हैं, इसी टाइप से आपको कॉपी करना है। ठीक है, अब ये हमारा पिकॉक तो रेडी हो गया है, इसके मैं यहाँ पर कर देती हूँ ऑरेंज। ऑरेंज कर सकते हैं आप, व्हाइट कर सकते हैं आप, ग्रीन कर सकते हैं आप, कुछ भी कलर कर सकते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर्स इसलिए ले रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट कलर्स पे वो कैसे इफेक्ट आएंगे ना, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। सो दिस इज द ओनली रीजन आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स। जितनी भी अभी हम कलर कर रहे हैं ना, इन सब के अंदर अभी हम वर्क करेंगे, तो जिससे क्या होगा, अभी जितना प्लेन प्लेन लग रहा है ना, वो फिर बहुत सुंदर लग रहा है। हमेशा ना जब भी आप पेंटिंग करते हो ना, हमेशा उसको एंजॉय करके करो, कुछ मत सोचो कि वो बनने के बाद अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि जब भी आप अपना कुछ भी क्रिएट करते हो ना, इंजॉय करके आप कुछ भी आप बनाते हो, तो फॉर श्योर वो चीज हमेशा ही आपकी अच्छी बनती है। और एक्रेलिक कलर्स का ना देखो एक और बेनिफिट क्या होता है, अब आपने जब भी आपने एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर करते हैं, तो एक कलर के ऊपर आप दूसरा कलर कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर येलो था, ठीक है, येलो के ऊपर आप मैं ऑरेंज करूंगी तो वो ऑरेंज कलर आ जाएगा। बट ये सब कब होगा, जब पहले नीचे का जो बेस कलर है वो ड्राई होगा, अगर वो येलो ड्राई नहीं होता ना तो वो तो मिक्स हो जाएगा, है ना? तो हमेशा से पहले वाला कलर को सूखने देना, उसके ऊपर आप दूसरा कलर कर सकते हो। कई बार हमारी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कलर करते हैं, बट हमें लगता है कि अरे यहाँ पर तो ये कलर नहीं करना था, दूसरा करना चाहिए था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके वेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम पहले व्हाइट एक्रेलिक कर सकते हैं, नहीं तो उसको जब वो ड्राई हो जाता है तो जो हमें कलर करना है वो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ द नेक्स्ट इज इसका जो हमारा ट्री है, ठीक है, ट्री के अंदर हम इसको ब्राउन शेड लेंगे। हमेशा से कलर आपको जब भी यूज कर रहे हैं आप उसको शेक करना मत भूलना, शेक करना बहुत जरूरी है, शेक नहीं करोगे तो आपके कलर्स अच्छे से वो मिक्स नहीं होते ना, वो अच्छे नहीं लगता है। सो लाइक दिस, जो भी हमने जहाँ पर भी इसका ट्री बनाया है वहाँ पर हम इसको कलरिंग कर देंगे। ट्री के अंदर आपको सिर्फ लीव्स बनानी है या लीव्स और फ्लावर्स बनाने हैं, फ्रूट्स बनाने हैं, वो सब आप अपने इनोवेशन से आप जितना सुंदर आप बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा करके अपने आपको डिजाइन बताती हूँ, डिजाइनिंग
कैसे आप इसके अंदर जो हमने डिजाइन करना है वो आप कैसे करेंगे। मीन वाइल हमारा ये जो पैटर्न हमने अभी कलर किया ना, ये कलर सूख जाएंगे। गोंड आर्ट के ना बहुत सारी पेंटिंग्स भी आती हैं, इसके कुशन कवर्स आते हैं, इसकी बेडशीट्स आती हैं, आपके ड्रेसेस पर भी गोंड आर्ट आता है मतलब, और गोंड आर्ट की बॉटल्स बनती है, इतनी सुंदर लगती है। गोंड आर्ट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आर्ट, कुछ भी आप बना सकते हो गोंड आर्ट का ना, बहुत सुंदर लगता है। इसी के अंदर शेडिंग की ऐसा जरूरत होती नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल कलर्स चलते हैं इसके अंदर, आपको शेडिंग नहीं देनी। नॉर्मल डिजाइन लगाते हैं डॉट, देन सर्कल, आपको जो हम सेमी सर्कल बनाते हैं ऐसे ऐसे करके हम पूरा भी हमारा डिजाइन हम उसको कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये वाला डिजाइन कहाँ पर बना सकती हूँ, पीकॉक के ऊपर। ठीक है, अभी जब मैं डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी ना तब आपको चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, बट अभी मैं सिर्फ डिजाइनिंग आपको बता रही हूँ। फिर आपकी जो भी चॉइस है ना, आपको जो भी डिजाइन बनाने का मन होता है, जो भी आपको इजी लगता है या जो भी आपको देखने में सुंदर लगता है, वो डिजाइन आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा सेकंड डिजाइन आप ले सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइंस लगाते हैं ना, आप ऐसी लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड डिजाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ डिजाइन के अंदर हमने लाइन लगाया, कुछ में हमने प्लेन रख देना है लाइक दिस, फिर एक लाइन प्लेन, देन अगेन दिस लाइंस, ऐसे करके हम पूरे डिजाइन को अपना फिल कर सकते हैं। आप अगर कोई और डिजाइन यूज करना चाहते हैं बिल्कुल, आप अपने मनपसंद से आप कुछ और डिजाइनिंग भी कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू द बेसिक डिजाइन जो हम लोग मेनली गोंड आर्ट में यूज करते हैं। फिर हम लोग जो नॉर्मल होता है डैशेस, सिर्फ डैश लगा सकते हैं कि जो हमारा डिजाइन है ना उसके अंदर हम लोग सिर्फ डैशेस डैशेस लगा सकते हैं। अब डैशेस हमारे स्लीपिंग थे, इसी के अंदर हम डैशेस हमारे डैशेस लगा सकते हैं। हमें बाहर कहीं आउटलाइनिंग नहीं करनी है कलर से, हमें जो भी करना है इसके अंदर डिजाइनिंग हमें अंदर करनी है। ठीक है, तभी ये दूसरे आर्ट से थोड़ा डिफरेंट आर्ट हो जाता है। फिर हम ऐसे हैं डॉट, देन वन लाइन, टू लाइन, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन के अंदर हम लोग अगेन स्मॉल लाइंस लगा सकते हैं लाइक दिस। सो ऐसे करते हुए ना आपके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, आपके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग बननी शुरू हो जाती है। तो आपका क्या होता है, वो जो डिजाइन आप बना रहे हो ना वो अपने आप ही डिफरेंट लुक आ जाती है। आप ऐसे करके डिजाइन आप अपने जो भी हमने अभी आर्ट बनाया उसके अंदर आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको सब पूरा करके दिखाऊंगी कुछ बात कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, जैसे हम लोग फिश के गिल्स बनाते हैं ना, ये वाला डिजाइन वी कैन ऐड। ठीक है, देन द नेक्स्ट डिजाइन व्हाट वी कैन डू, हम जैसे सपोज मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, देन टू लाइंस लेकर एंड देन आई विल डू दिस, देन अगेन थोड़ा सा गैप के बाद मैंने टू लाइंस लिया एंड देन आई विल मेक दिस डिजाइन। सो ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन अपना करती हूँ। अब ये वाली जो लाइन्स है इसके अंदर मैं इनको एनहांस करने के लिए इसके अंदर डॉट्स लगा सकती हूँ। ठीक है, सो आप ऐसे जो भी आप बना रहे हैं ना उसको आप और सुंदर बनाने के लिए आप इसी तरह आपका डिजाइन बना रहे हो,
आपको ये डिजाइन हमें उसके अंदर बनाना है। सो अभी मैं आपको और डिजाइन बताती हूँ। अच्छा, देन वी कैन मेक सम जिगजैग्स। हम लोग ऐसे लाइंस जिगजैग के हम लोग लाइंस लगा सकते हैं। अब जो मैं स्लीपिंग लगा रही हूँ, आप स्लीपिंग में लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे स्टैंडिंग लाइंस लगा सकते हैं, जिगजैग के अंदर स्टैंडिंग लाइंस। वो आपका डिजाइन कैसा है, आप उसके अंदर कैसे डिजाइन की आप लाइंस या कुछ भी बना सकते हैं। अब आप एक सर्कल का पैटर्न ले सकते हैं। आप हमने नॉर्मल सर्कल लिया, सर्कल के अंदर अगर आप ब्रश से, अब देखो इसके अंदर आपके ऊपर, आपको देखते हैं कि आपका ब्रश के ऊपर कितना अच्छा होल्ड है। अगर आप सर्कल के ऊपर आप सर्कल बना सकते हो अंदर, तो ठीक है, नहीं तो आप एक डॉट लगा सकते हो। सर्कल के अंदर आप छोटे डॉट्स लगा सकते हो। सो ऐसे करके आपका एक अलग पैटर्न आपका ये रेडी हो जाएगा। मैं आपको पैटर्न्स ना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम डिजाइन बनाने लगते हैं, हमने कलर तो सारा कर लिया, बट हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अरे अब अंदर डिजाइनिंग क्या करें, है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये डिजाइन दे दिए कि आपके सामने ये डिजाइन होंगे ना, तो आपको पता होगा कि हाँ मैं कौन सा डिजाइन मैं बना सकती हूँ, तो आप उस डिजाइन को आराम से बना सकते हैं। अब हमने नॉर्मल लाइन लिया, देन डॉट्स, इसमें थोड़े से बिग डॉट्स लगा दिए मैंने, देन टू लाइंस। मेनली हमें ये हमारा पर्पस है कि जो भी हम गोंडाट कर रहे हैं ना, एक तो वो सुंदर लगना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर वो ट्राइबल लुक आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपका वर्क नीट नहीं भी होगा ना, सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है, क्योंकि आदिवासी जो होते थे वो सिर्फ बनाते थे, उनका वर्क नीट नहीं होता था, बट वो सुंदर इतना ज्यादा लगता है ना। मैं भी आपको अपना जो प्रोडक्ट है ना, जो मैंने बनाया, आई विल शो यू, मतलब वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऐसे सर्कल बना सकते हैं, देन अगेन सर्कल से थोड़ा सा गैप देकर, एंड देन अगेन मैं जिगजैग वाला डिजाइन दे सकती हूँ। सो ऐसे करते 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 आप जितना भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देन एक आता है कि नॉर्मल आपने कुछ भी डिजाइनिंग आपका आपको देने का मन नहीं कर रहा है, तो आपने रैंडमली कहीं कहीं आपने डॉट्स लगा दिए, ठीक है। कुछ गॉन्ड आर्ट में क्या होता है कि वो डॉट्स की जगह छोटे छोटे जैसे स्टार्स होते हैं, या फिर हमारा वो होता है ना कि मल्टीप्लाई एंड देन माइनस का साइन बीच में, स्टार्स जिसको आप कहते हो, हम ऐसे स्टार्स बना सकते हैं। सो ऑल योर क्रिएशंस, आप कितना अच्छे से आप ब्रश के ऊपर आपका होल्ड है और आप कौन सा डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो, आप इस टाइप से सारे डिजाइन बना सकते हो। अच्छा, डैशेस जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये तो थे स्मॉल डैशेस। अब इसी के अंदर कुछ डिजाइन और हमारे कैसे बन जाते हैं, जैसे सपोज ये वाला कि हमने लाइंस लगाई, ठीक है, बीच में कोई लाइन नहीं लगाई, बट इक्वल एक गैप छोड़ दिया, फिर लाइंस लगा दी, फिर गैप छोड़ा, फिर लाइंस लगा दी, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है डिजाइन लाइक दिस, ठीक है। देन अब इसके अंदर आप और भी आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आप और भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैं दो डिजाइन को मिक्स कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने डैशेस लगा दिए कहीं कहीं, जहां जहां मन करता आपका आप डैशेस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपने बीच में डॉट्स लगा दिए, फिर एक लाइन ड्रॉ किया, देन अगेन आपने डैशेस लगा दिए। तो ये ना छोटे छोटे डिजाइन हैं, अभी तो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, बट जब हम बनाने लगते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि अरे इसमें कैसा डिजाइनिंग बनाए। तो जब आपके सामने ये सब डिजाइन होंगे ना, तो आपको बहुत इजी रहेगा उसको वर्क करना, ठीक है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन आई विल टेल यू। ओके, नाउ अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग कर रहे हैं। डिजाइन करना जरूरी नहीं है आपको एक ही कलर लेना है। अब येलो है, येलो के ऊपर मैं अगर रेड का वर्क करूंगी तो वो बहुत सुंदर लगेगा, है ना। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप जीरो नंबर का ब्रश, अच्छा मैंने आपको बताया था कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग जीरो नंबर ब्रशेस, ठीक है, आप जीरो नंबर का ब्रश यूज कर सकते हैं। अगर आपको जीरो नंबर का ब्रश नहीं है तो आप दूसरे नंबर, टू नंबर आप यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा नंबर आप ले सकते हैं। सो एज पर योर कम्फर्ट, आपको जो भी ठीक लगता है वो यूज कर सकते हैं। So let me work with this.
अब सपोज ये इसका मुझे बॉडी में करना है, सो व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पर लाइन लगाया, ठीक है, एंड देन सेकेंडली मैंने एक सेकेंड लाइन यहाँ पर लगा दी। देखो मेरे पार्टीशंस बनते जा रहे हैं, है ना, मैं पार्टीशन कर रही हूँ पहले कि कितनी कितनी गैप पर मुझे डिजाइन बनाना है। ये आपको जो सेकंड है ना, जो मैं अंदर डिजाइन बना रही हूँ, ये आपको तभी बनाना है जब आपका नीचे का जो बेस है ना वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, और हमें इसको आउटलाइनिंग देने की जरूरत नहीं होती, नहीं होती है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है, प्लीज आप ध्यान रखना। अब इसके अंदर मैं नॉर्मल डैशेस लगा रही हूँ, ये सब आपको फैब्रिक कलर से ही काम करना है, ठीक है, क्योंकि आप फैब्रिक पे करो, अगर आप फैब्रिक पे काम नहीं करो और आप किसी एक्रेलिक आपने पर बना रहो या फिर ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा आपको डिफरेंट डिजाइनिंग आपको बता सकती हूँ, सेम डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे डिजाइन बता दिए ना, तो आप जो भी आपका मन कर रहा है आप वो डिजाइन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं एक डिफरेंट डिजाइन ले लेती हूँ आपके लिए, लेट मी टेक दीस लाइंस, येलो के अंदर मैंने सारा रेड वो किया है, ठीक है,
अब जो दूसरा है मेरा पर्पल, उसके अंदर मैं डिफरेंट कलर ले लूंगी। ठीक है, ऐसे जब आप इसको एनहांस करते जाएंगे वो और सुंदर 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 बनता रहेगा। लेट मी टेक अ डिफरेंट डिजाइन ओवर हियर, यहाँ पर मैं इसे लाइंस लगा देती हूँ। ठीक है, सो आई एम डन विद दिस रेड पार्ट अभी यहाँ पर, सो लेट मी ड्रॉ लाइंस लाइक दिस। ब्रश को आप अच्छे से क्लीन करना है। आपने ब्रश को क्लीन करने के बाद टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। ठीक है, अब आईज तो वी विल मेक लेटर, वो हम सबसे बात करेंगे। व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, डार्क कलर्स होते हैं, डार्क कलर्स के साथ जब व्हाइट होते हैं बहुत अच्छा लगता है। या व्हाइट यूज करते हो या फिर अगर आप ये कर सकते हो कि हम चेक करते हैं व्हाइट आपको करना, सिर्फ तब तक आपका बेस कलर ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कलर ले रहे हो ना तो वो सारा भीगा जाएगा, सारा कलर आपका रहेगा। तो आप इसे ध्यान रखिए जब आपका काम शॉल्स पट्टा कुशन कवर्स बेडशीट्स बॉटल्स होम डेकोर कुछ भी बना दो ना, वो बहुत सुंदर है। आपके जो पॉट्स होते हैं घर के अंदर है ना, पॉट्स उनको डेकोरेट करो। आप गार्डन के जो पॉट्स हैं ना वो डेकोरेट सुंदर लगता है कि ऊपर ने और नीचे कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स बन रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। इनोवेशन सब आपकी है, हमारे पास घर में इतनी सब चीजें होती है ना, जो भी मन करता है ना उन सब चीजों को डेकोरेट कर दो। मैं यही करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना जो भी मेरे पास घर में चीजें होती है ना उन सबको मैं डेकोरेट कर देती हूँ, सबको उनको पेंट कर देती हूँ, सुंदर भी लगती है। आप देखिए आपका घर सुंदर जाता है, आपकी खुद की विशेष है, आपकी क्रिएटिविटी और आप घर को अपना कितना डेकोरेट कर सकते हैं। लाइक दिस, अब देखो वो और ज्यादा वो इसके अंदर ब्यूटी आने लग गई है। इसको हम एक सिंगल ये डिजाइन से कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी डिफरेंट डिजाइनिंग करना तो आप बिल्कुल आप डिफरेंट डिजाइनिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और इसका जो इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर आपने व्हाइट कलर किया अब आप दूसरे में व्हाइट नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी मैं इसके जो लेग्स बनाई है ना वहां पर आई विल बी डूइंग सेम व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर मुझे वहां पर आप व्हाइट कर सकते हो, नहीं तो चलो मैं आपको इसको ब्लैक के साथ बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको ब्लैक अपनी क्लासेस में चीजें इसलिए बता देती हूँ जो भी आपको अच्छा लगता है ना आप उसको वैसे बना सकते हो। ठीक है, और जब आप फिश देखोगे आपको थोड़ा आइडिया जाएगा कि चीजें बताइए और आपको कैसे मोल्ड कर सकते हो। अब इसका ब्लैक से आई एम जस्ट ड्राइंग डॉट्स। डॉट के अंदर अगर आप बहुत अच्छे से डॉट्स ऐसे नहीं ब्रश से नहीं बना सकते हो तो इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको एक डॉट आर्ट करवाया था है ना, डॉट में डाला, उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बताए करने, डिफरेंट टूल्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल डॉट्स है आप टूथपिक ले सकते हो है ना, आप डॉट्स डॉट लगा सकते हो। तो वैसे तो आप ब्रश से ट्राई करना, ब्रश से आप लगा पाओगे।
ओके अब जिसकी आईज है आईज भी लेट मी ओपन है ठीक है बीक के अंदर से जैसे हम एक पैटर्न देते हैं ना लीफ का पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ अभी जैसे इसकी बीक है ठीक है बीक के अंदर हम जैसे एक लीफ का पैटर्न देते हैं ना एक बीच में से आपने सेंटर में से एक आपने लाइन ड्रॉ करी टिप तक ठीक है एंड देन यहाँ पर आपने साइड्स में लाइंस लगा दी जैसे कवर भी हो जाती है और ये बहुत सुंदर भी लगती है फिल करना अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है अच्छा मैं यहाँ पर भी इसका बता देती हूँ पहले फ्रंट में यहाँ पर आप नॉर्मल लाइंस ले सकते हैं लाइक स्ट्रेट लाइंस यू कैन टेक अगर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप डिजाइन ले सकते हैं जैसे टोल्ड यू आपको इतने सारे जो डिजाइन दिखाया ना ये डिजाइन मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि आप इन डिजाइन में से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अपना इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए अब फ्री है जो ठीक है ट्री के अंदर भी आप ऐसे ही व्हाइट कलर कर सकते हैं या आप कोई भी कलर ले सकते हैं ट्री के अंदर भी ऐसे ही आप डिजाइनिंग कर सकते हैं ठीक है अब ट्री के साइज में अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर्स बना देती हूँ जस्ट टेक रेड हमने लेते हैं रेड हमने अभी कहीं पर नहीं लिया है तो आप रेड ले सकते हैं अगर आपको लीव्स बनानी है या आप ग्रीन ले सकते हैं मैं ग्रीन ले लेती हूँ आप इसकी लीव्स बना सकते हैं ग्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शेक द कलर ठीक है कलर शेक करना मत भूलना नहीं तो कलर्स ना आते नहीं है अच्छे से लाइक दिस अब छोटे 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 इसके लीव्स बना सकते हैं अब अगर आप लीव्स के अंदर चाहते हैं अगर आपको इसके अंदर भी कुछ डिजाइनिंग करना है आप वो डिजाइनिंग कर सकते हैं अगर आप लीव्स को एज इट इज आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं गोंडाट के अंदर कभी भी यू नो करेगा शेडिंग हमें नहीं करने है गोंडाट के अंदर ठीक है जो जैसा कलर है आप एज इट इज आप कलर लेंगे और आप उसको कर सकते हैं अब जैसे मैंने ये लीव्स बना रही हूँ आप लीव्स की जगह अगर आप चाहते हैं आप यहाँ पर फ्लावर्स बना सकते हैं आपके मन कर रहा वहां वहां पर लीव्स बना सकते हैं सो सिमिलरली लाइक दिस आपको इसको पूरे को कंप्लीट करना है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर आपको डिजाइन करना है कलर हमेशा पहले बेस करना बेस कलर करने के बाद ही जो मैंने ऊपर ये जो लाइंस बनाई है जो डिजाइन बताए हैं वो आपको करना है तो वो कंप्लीट आपकी चॉइस है आप उसको कैसे करना चाहते हो ठीक है सो नाउ लेट मी शो यू द फिनिश्ड आर्टिकल अभी जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था ना आप एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको इसको डिजाइन बनाने में इजी हो जाएगा ठीक है मैंने कुशन कवर बनाया था ठीक है सो लेट मी शो यू मैंने पिकॉक वाला ही डिजाइन लिया था मुझे पिकॉक्स बटरफ्लाईज बहुत पसंद है तो मैं मेनली पीकॉक बटरफ्लाईज ज्यादा लेती हूँ जस्ट सी इसके अंदर क्या था मेरा जो बेस था वो कॉटन का ही था ठीक है बट कॉटन का वो डार्क कलर का मैंने लिया था क्योंकि तब ना लॉकडाउन था जब मैंने ये सब चीजें बनाई थी ना तो लॉकडाउन के अंदर मुझे व्हाइट वाला जो फैब्रिक है वो मुझे ठीक है सो मैंने ये किया डार्क के ऊपर मैंने लाइट कलर्स दिए और यहाँ पर मैंने नेवी ब्लू लिया तो नेवी ब्लू के ऊपर मैंने व्हाइट कलर से डिजाइनिंग कर दी ठीक है तो आप ऐसे कर सकते हो मैं इसको थोड़ा सा आपको पास दिखाती हूँ देखो जो मैंने इसकी जो लीव्स बनाई है लीव्स के अंदर मैंने जो नीचे था वो ग्रीन कलर किया था और ऊपर मैंने येलो से मैंने उसको वर्क किया मैंने बताया कि आप कलर कोई भी आप इसके साथ में कलर कॉम्बिनेशन तो येलो भी काम करता है देन यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक व्हाइट लेकर उसके ब्लैक से लाइनिंग कर दिया था देन यहाँ पे मैंने इसकी आईज दूसरे टाइप से बनाई है सर्कल करके बड़ी सिंपल आपको जैसी भी आईज बनानी है वैसे कर सकते हो
यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट पैटर्न लिया था, मैंने दो कलर्स यूज किए यहाँ पर, ब्लू एंड रेड। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पर भी दो कलर्स या सिंगल कलर, अब यहाँ पर मैंने दो ही पैटर्न लिए हैं। आपको जब सिखाया है तो मैंने तीन चार पैटर्न लिए थे बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहती थी, बट मैंने यहाँ पर दो ही पैटर्न लिए हैं। यहाँ पर भी मैंने सेम पैटर्न लिया है बट यहाँ पर मैंने कलर्स बीच में इसके डॉट्स नहीं लगाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो सेंटर के अंदर पीकॉक है इसको भी मैंने ऐसे किया है बट इसके डॉट्स मैंने डिफरेंट कलर के कर दिए। तो आप ऐसे ही आप अपने इनोवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको आउटलाइनिंग, देखो मैंने कहीं पर भी आउटलाइनिंग नहीं करी, आपको आउटलाइनिंग नहीं करना, अंदर ही कलर करना है, अंदर ही आपको डिजाइनिंग देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने आर्टिकल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आए, आपने वर्कशॉप का लास्ट ही था, दीजिए। ठीक है, एंड देन आई विल रोल आउट ई सर्टिफिकेट। ओके।